हेलो गाइस, मेरा नाम अक्षत चौहान है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा 10th पास आउट होने के बाद मैंने टैटू फील्ड में आने का सोचा था। मैंने नेट पर सर्च किया टैटू क्लासेस के लिए, तो मुझे औरंगाबाद में हर्षैन संजय बोल के टैटू क्लास मिला था। तो मैं उनके पास गया, उनके पास ज्वाइन किया। उनके पास ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे टैटू सिखाया, लेकिन उनके पास जो सिखाया था ना, उसके बाद मेरा अच्छे से रिजल्ट आ गया। टैटू का आना कुछ आता था, उन्होंने ना मुझे ठीक से मशीन पकड़ना सिखाया था, ना मुझे असेंबल कैसे करना ना वो सिखाया था। मैंने वहाँ से पूछ कर लिया, मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल गया। बाहर आके टैटू बनाता था तो मेरा रिजल्ट नहीं आता था, तो मुझे भी टैटू बनाने के अंदर हिन होने का राके बोलने से, मैं आपका रिजल्ट नहीं आया क्या है बोल। जो मुझे औरंगाबाद में टैटू सिखाता था, जस्ट मुझे टैटू नहीं सिखाता था, मुझे बस एक मतलब काम बता देता था, उसके बाद वो सलून अटेंड करता था, म्यूजिक क्लास लेता था, डांस क्लास लेता था, इतना कुछ काम करता था कि मुझे टाइम भी नहीं दे सकता था, मुझे ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। भाई तो उसकी भी कुछ गलती नहीं, खुद क्या एक्सप्लेन करेगा जब उसको खुद को कुछ पता नहीं है टैटू के बारे में। उसको टैटू का नेम भी नहीं पता था और टैटू क्लासेस ले रहा था। वहां मुझे ऐसा सिखाया गया था, मुझे डायरेक्ट फर्स्ट डे उन्होंने स्टेंसिल दे दिया था हाथ में, आप इतना ट्रेस कीजिए। सेकंड डे टैटू मशीन दे दिया था उन्होंने हाथ में, यहाँ आप टैटू बना सकते हैं, आप टैटू बनाइए करके। उन्होंने बस मुझे लाइनिंग और फिलिंग इतना ही सिखाया था, ना मुझे शेडिंग सिखाया था, ना शेडो कैसा निकालना है, ना क्रिएटिविटी कैसा करना है नेम्स के टैटू वगैरह में, टैटू में चेंजेस कैसा कर सकते हैं, ना उन्होंने मुझे वो सिखाया, ना कुछ अदर सिखाया। जब मैं हर्षैन संजय में सीख रहा था तो मेरे साथ मेरा एक और क्लाइंट था संतोष करके, जो की सोलापुर से था। तो हम दोनों ने साथ में कोर्स किया, बाद में वो सोलापुर चले गया। बाद में मैं उससे कॉल करके पूछता था, भाई तुम्हारा रिजल्ट कैसा आ रहा है? तो बोलते थे, भैया मेरा भी रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहा है। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, मेरा भी रिजल्ट अच्छे से आता ही नहीं था, ना ही ठीक से बैठता था, ना फीलिंग ठीक से होती थी, हील होने के पूरा टैटू खराब हो जाता था। क्लाइंट आके हमको बोलते थे, मैं अपने टैटू बनाने के लिए पूरा खराब हो गया। Oh, no. तो संतोष आवा टैटू सप्लाई से टैटू मटेरियल खरीदता था, तो उसे पता चला यार टैटू सप्लाई के साथ यार टैटू क्लासेस भी होती है और टैटू भी बनाए जाते हैं। तो फिर उसने यहाँ पे आके टैटू क्लास ज्वाइन किया, यहाँ पे उसने टोटली पूरा सीखा। और फिर बाद में मैंने उसका वीडियो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा। उसके बाद मैंने उससे सजेशन लिया, तो बोला ठीक है मैं भी ज्वाइन करता हूँ। फिर मैंने अमर टैटू सबसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आपको ज्वाइन करते हैं तो आप आ जाइए। तो मैं औरंगाबाद से नागपुर आया कोर्स के लिए। प्रिंट कैसा निकालना, कंप्यूटर कैसा यूज करना, क्लाइंट से कैसा बात करना, उसके स्ट्रेचिंग कैसा बनाना, स्ट्रेचिंग लगाना कैसा, फिर असेंबल कैसा करना, मशीन कैसे पकड़ना, स्क्रीन प्रूफ समझाया मुझे, मिरर का टाइप समझाया, कौन से आते हैं उसमें डुप्लीकेट ओरिजिनल, वो भी बताया मुझे उन्होंने, उसका डिफरेंस समझाया। कॉइल मशीन से लेके रोटरी मशीन जब उन्होंने मुझे हॉपपेन भी यूज करना सिखाया। अदर टैटू क्लासेस में कोई कोई टैटू आर्टिस्ट हॉपपेन उनको क्या है वो भी नहीं पता रहता है, वो बस कॉइल मशीन और रोटरी मशीन से ही टैटू बनाते हैं। सब उनकी प्रोडक्ट जो स्टूडियो के थे, मुझे उनकी स्टूडियो में बैठ के उन्होंने टैटू बनाने दिया। ऐसे नहीं कि आप आपका प्रोडक्ट खरीद लो उसके बाद ही आप टैटू बना सकते, ऐसा उनके पास कुछ नहीं था। और सबसे मेन बात, उन्होंने मुझे उनके खुद के क्लाइंट्स दिए है, तो प्रैक्टिस भी करो बोले इनके ऊपर। कोई दूसरा टैटू आर्टिस्ट आपको उनके क्लाइंट्स खराब करने नहीं देगा, बट उन्होंने मुझे उनके क्लाइंट्स से ट्रस्ट करके, अमर भाई का पूरा शेड्यूल पैक रहता था, उनका सप्लाई का भी बिजनेस है, टैटू मटेरियल लेने अलग क्लाइंट्स आते थे, बाद में टैटू के अलग क्लाइंट्स रहते थे, उनको दोनों को अटेंड करना पड़ता था। वो मुझे सुबह बता देते थे कि तू आइए ये लाइनिंग का प्रैक्टिस कर, तो मैं सुबह से लेके शाम तक वो प्रैक्टिस करता था। फिर अमर भैया फ्री होने के बाद मेरे पास आते थे, मुझे बताते थे मेरे पूरे जो जो मिस्टेक्स थे वो निकालते थे, और रात भर मेरे पास बैठ के मुझको बताते थे स्मॉल वर्डिंग का, ये लाइनिंग को अपन ऐसे भी कर सकते, मेरे मिस्टेक्स निकाल के उसको करेक्ट किए उन्होंने। आप कहीं भी टैटू कोर्स करने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉपरली नॉलेज नहीं देगा, आपसे पैसा ले लेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। और मैंने मुझे बताया मशीन 90 डिग्री में पकड़ के टैटू बनाना है, आप उसको 45 डिग्री में पकड़ के बनाएंगे तो उससे स्किन कटेगी और बाद में ग्रे लाइन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसको 90 डिग्री में पकड़ेंगे तो एक स्ट्रेट इम्प्लांट होगी और टैटू कम्प्लीटली ब्लैक दिखेगा, ना ग्रे दिखेगा, ना ग्रीन दिखेगा। अमर भैया ने कस्टमाइजेशन और ड्राइंग करने दे दी थी, जब उनके क्लाइंट्स आते थे तो मेरे भरोसे पे छोड़ देते थे कि तू इनके टैटूज को कस्टमाइज कर। तो तब मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, मैं भी एकदम ब्लैंक रहता था, क्लाइंट के सामने मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो मैं उनको बोलता था 5 मिनट आप रुकिए मैं कस्टमाइज करता हूँ इसको, मैं कुछ ना कुछ करके अमर भैया को बताता था। अमर भैया मुझे डांट देते थे कि ये तूने किया क्या बोले।
ये गलत है, तूने एकदम गलत किया। फिर वो नहीं कर, वो मुझे रात में बैठ के सिखाते थे। बाद में उनके टोटल हर एक लग में अटेंड करता था, क्लाइंट को डिजाइन बताने से क्लाइंट का प्रिंट निकाल के स्टेंसिल बनाना, पूरा मशीन वगैरह सेट करना, उसको ऑर्नामेंट कैसा यूज करना, कौन सा यूज करना, टोटल वो भी मैं पूरा मैं बताता था। यार मुझे लाइव टैटू वॉचिंग में देखने मिला है, आप कोई भी टैटू वाले के पास जाएंगे कोर्स के लिए तो आपको कोई भी टैटू आर्टिस्ट उसके बाजू में बैठा के उनका टैटू कैसा बनाता है वो नहीं दिखाएगा। लेकिन यार मुझे भैया ने पूरा बाजू में बैठा के वो हर एक टैटू कैसा बनाते थे, किसमें क्या यूज करना, कौन सा नीडल यूज करना, शेडिंग के लिए, लाइनिंग के लिए कौन सा नीडल यूज करना, उन्होंने मुझे सब बाजू में बैठ के बताया। जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट पूरा ब्लैंक माइंडेड आता है, यार उसको अपने को समझाना पड़ता है, उसके हाँ में हाँ मिला के अपना डिजाइन, उसका डिजाइन कस्टमाइज करके उसको एक अच्छा सा डिजाइन बना के देना होता है अपने को। वो सब मुझे भैया ने सिखाया। जब औरंगाबाद से नागपुर आया तो मुझे सबसे बड़ा डर था, मैं वहाँ रहूंगा कहाँ, नागपुर मिलने एकदम न्यू था, फर्स्ट टाइम यहाँ आया था। तो मुझे यहाँ भैया ने रूम वगैरह करके दी, मेस लगा के दी, रूम भी एकदम अच्छा करके दिया भैया ने, मेस वगैरह भी अच्छा लगा के दिया। हम सब दोपहर का खाना भी सब साथ में खाते थे, मस्त एंजॉय करते थे। पूरा मैंने 6 महीना एकदम अच्छे से निकाला था, एकदम पूरे मेरी फैमिली हो गई है। सबसे पहले गलती थी, मैंने अच्छा टैटू क्लास नहीं चूज किया था, उसके बाद मुझे फिर से आके टैटू क्लास करना पड़ा। और गाइस जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी लाइफ में सोच रहे हैं कि टैटू फील्ड में आगे आना है, तो आप भी जरूर अमर टैटू में आके आपका कोर्स कीजिए। यहाँ से आप अच्छे टैटू आर्टिस्ट भी बन जाएंगे और आप उसके बाद आप अच्छे से आदमी भी बन जाएंगे और आपका फील्ड में भी बहुत नाम हो जाएगा। टी से लेके लास्ट के ओ तक मुझे पूरी स्पेलिंग का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग पता चला यहाँ के। अमर भैया इज अ ग्रेट मैन विद अ ग्रेट हार्ट एंड अ ग्रेट क्रिएटिविटी। जो भी उन्होंने टैटू फील्ड में आने का क्रेडिट है पूरा अमर टैटू सप्लाई को जाता है, अमर भैया को जाता है, आंटी को जाता है, आशीष भैया को जाता है। थैंक्स अलॉट अमर भैया, आंटी, आशीष भैया, थैंक्स अलॉट अमर टैटू सप्लाई, आपने मुझे टैटू फील्ड में लेके आए।